कटनी में वन विभाग की केंद्रीय रोपड़ी में काम करने वाले तमाम मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। रेंजर की मनमानी के चलते इन मजदूरों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, इस कारण परेशान होकर मजदूरों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। केंद्रीय रोपड़ी नर्सरी सरस्वती में काम करने वाले तकरीबन 150 मजदूरों ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों ने बताया उन्हें 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है और काम बराबर करने के निर्देश निरंतर दिए जा रहे हैं। नर्सरी में चौकीदारी का काम करने वाले सुधीर कुमार ने बताया कि लंबे समय से हम सभी इस नर्सरी में चौकीदारी का काम करते चले आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हमारी तनख्वाह में हस्तक्षेप किया जा रहा है। पहले तनख्वाह समय पर खाते में आ जाती थी, लेकिन अब रेंजर साहब से अपने ही पैसे के लिए विनती करना पड़ रही है, फिर भी हमारी पेमेंट रोकी जा रही है। अब क्या बताएं, रेंजर साहब से मिलना चाहते हैं, रेंजर साहब भी आके बात नहीं कर रहे है ना। कहीं कह देते हैं कि एसडीओ साहब वहां रुका हुआ है काम। अब हम लोग कहा जाने कि क्या कैसा, हम तो यही वालों को जानते हैं कि जो काम करवाएगा हमसे हम उसी को जानेंगे है ना। तो अब पैसे के लिए हम लोग चार महीना हो गया, अब 4 महीना से हम लोग आज नहीं कल नहीं परसों नहीं एक हफ्ता बाद 4 महीने हो गए, अब तो हम लोग भूखों मरने का नंबर आ गया। मिलेगी आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे लगे हैं कि मिलेगी। हम क्या खाएं, क्या 5 रुपए तो नहीं है, लड़का मांग रहे हैं तो भूखे मारे बताओ। अब भूख नहीं मरने के नौमत आ गए हैं यहाँ सर। यहाँ भैया 20 लेबर तो यहाँ करती है अभी, फिर बाद में तो 100 भी हो जाती है, 150 भी हो जाती है, 200 भी हो जाती है, 300 भी हो जाती है, जब मौके लगता है तो काम आता है तो सब मेर की लेवल लगता है। मजदूरी की मांग करने पर रेंजर पवन राय का मजदूरों से साफ कहना है कि जहां शिकायत करना है वहां करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नर्सरी में काम करने वाले मजदूरों ने भी आरोप लगाया कि रेंजर अपने सगे संबंधी बहनोई को सरकारी नर्सरी में देखरेख एवं सरकारी कामकाज करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। यही वजह है कि अब मजदूरों को नियम अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। रेंजर साहब से हमने कई बार बोला, तो इससे पहले पेमेंट के लिए बोला तो वो बोले कि 5 तारीख को आ जाएगी। 5 तारीख के बाद फिर हमने बोला तो बोले 15 को आ जाएगी। 15 के बाद हमने बोला तो बोले 20 को आ जाएगी। फिर 18 को आए, हमने बोला सर 20 को आ जाएगी, तो बोले नहीं 21 को आ जाएगी। अब आज दिनांक तक पेमेंट नहीं हुई है। लड़के 3 महीने 10 दिन हो चुके हैं, लड़के बच्चों को बीमार हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।